चिययांग कॉल पर यू को बताता है कि तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले ओवरडोजिंग से मिंगशू ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मतलब कि नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। पता नहीं किसने ये न्यूज लीक कर दी, काफी सारे मीडिया वाले तो इसकी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए नजर लगा के बैठे हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मिंगशू के फैंस कितने ज्यादा स्कैरी है। तुम्हें यकीन नहीं होगा जब उसके फैंस पागल हो जाएंगे और शियाशेंग ग्रुप के आगे फिर दंगा कर देंगे। एक प्ले बॉय जो लॉयल नहीं रह सकता, कोई भी इस बारे में सुनेगा तो वो मिंगशू की साइड ही हो जाएगा। प्ले बॉय मतलब सॉन्ग वाला। सीनियर मैनेजमेंट वाले इस न्यूज को फैलने से रोक रहे हैं, लेकिन देखने से यहाँ के हालात अच्छे नहीं लगते। अगर हम दोनों फ्रेंड नहीं होते तो मिंगशू के लिए मैं तो बलाव की पिटाई कर डालता। ये सब सुन के यू तो बहुत ज्यादा चौंक गया था और कहता है, मुझे भी इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये कैसा रहेगा? मैं पहले सॉन्ग बलाव को पूछ लेता हूँ कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है और फिर मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। फोन रखने के बाद वो सोचता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्कैंडल में इन्वॉल्व होने की मुझे उम्मीद नहीं थी। वो सॉन्ग बलाव की असिस्टेंट ली शुन से कॉल करके पूछता है कि क्या तुम लोगों को मिंगशू की न्यूज के बारे में पता है। ली शुन पहले चारों ओर देख लेती है कि कोई उसे सुन तो नहीं रहा है और फिर वो कहती है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हमने काफी सारे तरीकों से उस न्यूज को दबा दिया है। मिंगशू बस नाटक कर रहा था, उसने इतनी भी ज्यादा गोलियां नहीं ली थी, वो अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। लेकिन यू पूछता है, लेकिन क्या? ली शुन थोड़ी धीमी आवाज में कहती है कि जब मिस्टर लुओ को इस बारे में पता चला तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उसने प्रेसिडेंट सॉन्ग को वहाँ पे बुलाया और उसे बहुत ज्यादा डांटा और उसे पनिश भी किया, उसे कोड़े मारकर पनिश किया और वो भी घोड़े पर यूज करने वाले कोड़े से पीटा। यू ये सुनकर बहुत शॉक्ड रह गया और कहता है, तो फिर क्या तुम लोगों ने उसे रोका नहीं? क्या उसे ऐसे ही पीटते रहने दिया? ली शुन कहती है, प्रेसिडेंट सॉन्ग ने हमें कहा था कि हम दूर रहे, वो दोनों एक जैसे ही है, वो किसी को भी बीच में नहीं आने देते। मिस्टर लुओ ने उसे शायद 100 से भी ज्यादा कोड़े मारे होंगे। अभी फैमिली डॉक्टर प्रेसिडेंट सॉन्ग के घाव को ट्रीट कर रहा है, फिर बाद में वो वीजिंग माउंटेन पर वापस आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे उसकी केयर करना। यू कहता है, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद यू ने जियो आंटी को भी वो सारी बात बता दी। फिर रात को जब सॉन्ग वाला घर वापस आया तब यू और जियो आंटी दरवाजे पे ही खड़े थे, तो सॉन्ग वाला उसे देख के कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे दरवाजे पे क्या मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हो? और फिर वो जाने लगा, मतलब वो एकदम ठीक है ऐसा नाटक कर रहा है। यू ली शुन की ओर देख के उसे इशारे में पूछता है, तो ली शुन भी उसे इशारे में जवाब दे देती है कि उसकी हालत अभी खराब है। यू भाग के सॉन्ग वाला के पीछे जाता है। सॉन्ग वाला की हालत सच में खराब थी, वो दीवार का सहारा लेके चल रहा था। यू सोचता है, तो इसका मतलब वो ऐसे ही चल के आया और सब कुछ नॉर्मल है ऐसा दिखा रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा टफ एक्टिंग थी। वो सॉन्ग वाला के पास जाके उसे कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, लेकिन तुरंत ही सॉन्ग वाला उसका हाथ दूर करता हुआ कहता है, मुझे छुओ मत, और वो जैसे तैसे करके आगे जाने लगा, लेकिन उससे जरा सा भी चला नहीं जा रहा था। तो फिर यू उसे सहारा देके ले जाने लगा और वो मन में बोलता है कि इतने भी जिद्दी मत बनो। लेकिन जैसे ही वो लोग रूम में पहुंचे, सॉन्ग वाला ने तुरंत ही यू को दूर कर दिया कि बहुत हुआ अब छोड़ो मुझे। यू कहता है, ऐसे वक्त में भी तो तुम गुस्सा करना बंद करोगे? सॉन्ग वाला कहता है, गेट आउट, मैं अभी किसी को भी नहीं देखना चाहता, और वो अपना शर्ट निकालने लगा। यू कहता है, बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी क्या प्रायोरिटी है? लेकिन वो सॉन्ग बलाव की हालत देख के चौंक गया, उसकी पीठ पर बहुत ही ज्यादा घाव लगे हुए थे और वो कहता है, क्या मैंने कहा वो तुमने सुना नहीं? वो बेड पर गिर गया। यू कहता है, तुम्हारे घाव में से तो फिर से ब्लीडिंग हो रहा है, और वो सोचता है कि मुझे याद है उससे तो हर बार इंजरीज होती रहती थी, लेकिन ज्यादातर फाइट की वजह से बस माइनर इंजरीज होती थी। वो सॉन्ग वाला के खून से सने कपड़े अपने हाथ में उठाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वो याद करने लगा कि एक बार वो बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गया था। एक बार हाई स्कूल में सॉन्ग वाला यू को ऐसे ही पकड़ के अपने साथ ले जा रहा था, तो यू उसे पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, लेकिन सॉन्ग वाला कहता है, बस चलो मेरे साथ, आपके लिए एक सवाल। सॉन्ग वाला इस तरह से यू को अपने साथ क्यों ले जा रहा था? और अभी यू अपनी पुरानी मेमोरी को याद कर रहा है कि एक बार सॉन्ग वाला बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गया था, तो क्या अभी सॉन्ग वाला यू के साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है और इसकी वजह से यू ने उसे धक्का देके गिरा दिया और सॉन्ग वाला बैडली इंजर्ड हो गया? या फिर ऑप्शन नंबर 2, सॉन्ग वाला उसे कहेगा कि मैं मेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ, तुम मुझे कोड़े मारो और मैं देखूंगा कि मैं कितना सहन कर सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।